हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। हम जो यूपीएचसी एग्ज़ाम है, जनरल स्टडीज़ पेपर, उसके प्रैक्टिस टेस्ट कर रहे हैं। दो टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, उनके लिंक आपको नीचे इस टेस्ट के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, और इसके पीडीएफ भी मिल जाएंगे आपको अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू। टेस्ट 3 देखते हैं आज हम। ये टोटल 25 प्लस टेस्ट होंगे और जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। तो आप अभी तक शुरू नहीं की है स्टडी सीरियसली, तो आप अभी भी टाइम आप शुरू कर दीजिए। ये 25 टेस्ट भी आप कर लेते हैं तो भी आपका अच्छा स्कोर गारंटीड आ जाएगा एग्ज़ाम में। अब हम टेस्ट देखते हैं। 1897 में परोपकार तथा सामाजिक कार्य जारी रखने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कब की थी? मई 1, 1897 को। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे। इस मिशन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? सामाजिक तथा जो आध्यात्मिक कार्य हैं उसको बढ़ावा देना था। और इसका जो रामकृष्ण मिशन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य क्या था, इसकी स्थापना किसने की थी और इसका मुख्यालय कहाँ है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। इस मिशन का उद्देश्य सामाजिक और जो आध्यात्मिक कार्य है उनको बढ़ाने का था। इसका मुख्यालय वेस्ट बंगाल में बेलूर मठ में है। और जो भारत सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1989 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रामकृष्ण मिशन को जो प्रतिष्ठित गांधी शांति पुरस्कार है उससे भी सम्मानित किया था। इसका करेक्ट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। निम्नलिखित में से किन लोगों ने होम रूल मूवमेंट की स्थापना की? जो होम रूल मूवमेंट है उसकी स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, एनी बिसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी। होम रूल जो मूवमेंट है इसकी स्थापना भारत में है, जो ये अस्तित्व में आया था 1916 से 1918 के बीच में। और ये है जो आयरलैंड का जो होम रूल मूवमेंट है उससे प्रेरित था। तो ये आपको ध्यान रखना है, होम रूल मूवमेंट आयरलैंड के होम रूल मूवमेंट से प्रेरित था। 1916 से 18 के बीच में भारत में ये अस्तित्व में आया। और इसकी स्थापना किसने की? इसकी स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक और एनी बिसेंट ने। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपीरियल विधान परिषद में 6 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा से संबंध में असफल बिल किसके द्वारा पेश किया गया था? देखिए, जो इंपीरियल विधान परिषद है उसमें एक व्यवस्था की गई थी, एक बिल पेश किया गया था, लेकिन इस बिल को रिजेक्ट कर दिया गया था 38:13 से। 38 इसके अगेंस्ट में थे और 13 इस बिल के फेवर में थे। ये बिल है जो इंपीरियल विधान परिषद में 1911 में पेश किया गया था, जो 6 से 10 साल के बच्चे उनको अनिवार्य शिक्षा के लिए प्राथमिकता हो, ये इस बिल में था। जो भी 6 से 14 साल के बच्चों के लिए किया है वो इस बिल में था 6 से 10 के लिए, लेकिन उस टाइम रिजेक्ट कर दिया था। इसको पेश किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। कांग्रेस ने पहली बार मुस्लिम लीग को मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी के तौर पर कब मान्यता दी थी? पहले जो मुस्लिम लीग है वो ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी थी, सिर्फ एक पार्टी थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है ये आपको ध्यान रखना होगा। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है 30 दिसंबर 1906 को। इसकी स्थापना कहाँ हुई है? ढाका में।
ढाका बांग्लादेश में है जो अभी, वहाँ इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी नवाब उल मलिक ने। आगा खान और मोहम्मद अली जिन्ना इस पार्टी के जो मेन लीडर्स थे उनमें से थे, बाकी इसकी स्थापना की थी नवाब उल मलिक ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये, कांग्रेस ने इसको मुस्लिम लीग को मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी के तौर पर मान्यता दी थी 1916 में। आपका कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। जीके और आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के दोनों के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और आपका एग्जाम डेट तक टेस्ट सीरीज अवेलेबल रहेगी। आप जब चाहे ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1792 में गीत गोविंद का अनुवाद किया था? गीत गोविंद का अनुवाद किसने किया था? देखिए गीत गोविंद क्या है, गीत गोविंद 12वीं शताब्दी में जयदेव द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। गीत गोविंद क्या है, ये जयदेव द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है और इसकी इसको कब आया, ये 12वीं शताब्दी में, 12th century में इसकी रचना हुई थी। एक्चुअल में संस्कृत में था, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है 1792 में विलियम जॉन्स ने। गीत गोविंद का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया है? सर विलियम जॉन्स ने। और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। ये गीत गोविंद का किसने किया है? विलियम जॉन्स ने। लेकिन भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? चार्ल्स विल्किंस ने। भारत ने महाकाली संधि किस देश के साथ की थी? देखिए ये क्वेश्चन इसलिए बनाया है क्योंकि जो रिवर वाटर डिस्प्यूट चल रहा था जो अननेसेसरी नेपाल ने क्रिएट किया हुआ था, इसलिए क्वेश्चन सेम क्वेश्चन या इसी तरीके का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, इसलिए आप इस टॉपिक को जरूर पढ़िएगा। ये महाकाली संधि भारत और नेपाल ने की है 1996 में। यह संधि है जो काली रिवर या महाकाली रिवर के जो जल है, वाटर है, उसके बंटवारे से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर होगा नेपाल। इसकी सहायक नदियां क्या है हम कवर करवाएंगे, लेकिन आप भी थोड़ा गूगल की मदद लीजिएगा। 1948 और 94 के बीच किस देश में अपार्थाइड नामक नीति का अनुसरण किया गया? अपार्थाइड नीति है जिसमें अश्वेत लोगों को सीमित अधिकार कर दिए गए थे। जो अश्वेत लोग हैं उनके राइट्स कम कर दिए गए थे, सीमित कर दिए गए थे। इसका सही आंसर होगा साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। इसमें जो अश्वेत लोग हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता था और उनके अधिकार भी सीमित कर दिए गए थे। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में डोमिनियन स्टेटस का निर्माण किसने किया है? डोमिनियन स्टेटस का निर्माण किसने किया है? नेहरू रिपोर्ट आई है, आई थी ये 29 अगस्त 1928 को मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग करने की सिफारिश की थी। अंतिम रिपोर्ट पर ये मोतीलाल नेहरू, अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू, मंगल सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने साइन किए थे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा नेहरू रिपोर्ट। और ये नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट है, ना कि जवाहरलाल नेहरू की। क्वेश्चन नंबर 9, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था?
23 नवंबर 1919 को ये दिल्ली में हुआ था खिलाफत सम्मेलन का आयोजन, और खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली के नेतृत्व में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था कि जो तुर्की हैं तुर्कियों के साथ एकजुटता दिखाना था कि हिंदुस्तान के जो मुस्लिम हैं वो भी तुर्कियों के साथ हैं, ये एकता दिखाना था। इसका नाम था खिलाफत आंदोलन। वहाँ जो तुर्की का खलीफा है उसे रिलेटेड है, उसके विरोध में किया गया था। इसका सही आंसर होगा दिल्ली में हुआ था ये। माउंट बेटन योजना, सीआर फॉर्मूला, वेवेल योजना और कैबिनेट मिशन में से सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी? सबसे पहले देखिए, हम देखते हैं तो जो सीआर फॉर्मूला है, सीआर फॉर्मूला 1944 में प्रस्तुत किया गया था। जो वेवेल योजना है, वेवेल योजना 1945 में पेश की गई थी। और जो कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन आप सभी जानते होंगे, ये 1946 में पेश किया गया था। और माउंटबेटन प्लान 1947 में प्रस्तुत किया गया था। तो सबसे पहले कौन सी घटना घटी है इनमें से? सीआर फॉर्मूला। हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं। मंडल कमीशन किसकी सरकार में बिठाया गया था? देखिए, अभी आपने कुछ टाइम से देखा होगा, चाहे वो ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड रिजर्वेशन हो 10% कोटे का, या ओबीसी रिजर्वेशन से रिलेटेड हो, जो अभी एनडीए गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर ने भी पार्लियामेंट में इसकी चर्चा की थी, और ये अभी दिया भी जा रहा है, 10% तो पास हो चुका है, ये भी मेडिकल में दे दिया है ओबीसी में। तो ये इसकी शुरुआत हुई थी मंडल कमीशन में। और मंडल कमीशन को, ये मंडल कमीशन कैसे नाम पड़ा, ये एसपी मंडल इसके चेयरमैन थे, तो एसपी मंडल के नाम से ही इसको मंडल कमीशन जाना जाता है। और ये मोरारजी देसाई की जो सरकार थी उन्होंने इसको अपॉइंट किया था। और इसमें ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन का प्रस्ताव था, रिकमेंडेशन थी, और भी कई रिकमेंडेशन थी जो अब ये गवर्नमेंट उनको फॉलो कर रही है। ये मोरारजी देसाई की सरकार ने बिठाया था। जो इसमें इकोनॉमिकली सोशली वीकर लोग हैं उनके लिए रिकमेंडेशन की थी मंडल कमीशन ने। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, इनमें से कौन से केंद्र शासित प्रदेश राज्यसभा में है? ऐसे कौन से यूटीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो राज्यसभा में भी जिनका रिप्रेजेंटेशन है, जिनसे लोग राज्यसभा में भी जाते हैं, ये ऐसे कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें से केवल दो ही केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो राज्यसभा में हैं अभी, दिल्ली और पौंडीचेरी। दिल्ली और पौंडीचेरी हैं, इनका ही राज्यसभा में प्रेजेंटेशन है, अभी रिप्रेजेंटेशन है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, सेकंड वन, फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में मताधिकार की आयु कौन से संविधान संशोधन के बाद 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी? ये जो 21 साल से 18 साल कर दी थी, ये हुआ था 1989 में, जो 61वां संविधान संशोधन था उसके उसमें किया गया था ये। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, 61वें संविधान संशोधन में। भारत के संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं, चाहे वो कैसे भी पूछे जाएं, इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 73rd अमेंडमेंट जो है, ये 73वां संशोधन 1992 में पारित हुआ था। इसमें पंचायती राज का आधुनिक रूप प्रस्तुत हुआ है। जो ग्राम पंचायत है, मध्यवर्ती स्तर है, जिला स्तर है, ये इसमें
संशोधन हुआ था। 20 लाख की जनसंख्या से कम जनसंख्या वाले राज्यों में पंचायतें 2 स्तर पे होंगी, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत। ये इसी से रिलेटेड है, 1992 में हुआ था ये 73वां संविधान संशोधन। अभी इलेक्शन हुए हैं, यूपी से रिलेटेड एग्जाम है पंचायत वगैरह के, तो ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं, आप इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा पंचायती राज। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ है, ये कहाँ पे उल्लेखित है? ये उल्लेखित है आर्टिकल फर्स्ट में, ये लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, ये एक राज्यों का संघ होगा। भारतीय संविधान का 52वां संशोधन किससे संबंधित है? 52वां संशोधन जो है वो 85 में पेश हुआ था, 1985 में, और ये आपने सुना होगा एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून, उसके राजनीतिक दल बदल के विरोध में प्रावधान किया था ये 1985 में। इसका सही आंसर है राजनीतिक दल बदल के लिए ये संशोधन किया था। भारतीय सरकार द्वारा करों और अन्य प्राप्तियों से प्राप्त राजस्व किस में रखा जाता है? जो भारत सरकार है उसमें कर या अदर रेवेन्यूज है, उससे प्राप्त जो रेवेन्यू प्राप्त होता है वो किस में रखा जाता है? ये आर्टिकल 266 से संबंधित है। 266 में लिखा है कि भारतीय सरकार द्वारा करों और अन्य प्राप्तियों से प्राप्त राजस्व भारतीय संचित निधि में रखा जाता है। इसका ए सही आंसर होगा, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाता है कैग को। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता और संरक्षक कौन है? जो अंतिम व्याख्या करने वाला और इसका गार्जियन है वो है अपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति को भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है? ये देता है आर्टिकल 356। इसके अकॉर्डिंग जो राष्ट्रपति है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करेगा। इस अधिकारी का कार्य भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए जो भी संबंधित विषयों का अन्वेषण करना है रक्षा उपायों में वो करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सोशल ऑडिट के निदेशालय की स्थापना करने वाला भारत में पहला राज्य कौन सा है? सोशली जो ऑडिट है, सोशल ऑडिट करने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। उत्तर पूर्व भारत में निम्न प्रजातियों में से कौन सा जंगलों में पाए जाते हैं? इनमें से कौन सी प्रजाति है जो जंगलों में, और वो भी सिर्फ कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट में, इधर सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इधर पाए जाते हैं। देखिए, टोका गेको छिपकली की एक प्रजाति है, टोका गेको, लाल पांडा, हुलाक गिब्बन, ये उत्तर पूर्व में पाए जाते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं जंगलों में। लेकिन जो ये शेर की पूंछ का मकाक है ये नॉर्थ ईस्ट में नहीं पाया जाता, ये वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, पश्चिमी घाटों में पाए जाते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ये नॉर्थ ईस्ट में नहीं पाया जाता, पश्चिमी घाट में पाया जाता है। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, एशिया की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है ये है उड़ीसा में, और ये
पुरी, खुर्दा और गंजाम जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें है। पुरी, खुर्दा और गंजाम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है ये, और ये चिल्का झील है। एशिया की सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील उड़ीसा में। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा प्रबल ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? देखिए अभी रिसेंटली जो यूनाइटेड नेशन है उसके भी कुछ रिप्रेजेंटेशन इंडिया आए हैं, क्योंकि इंडिया सबसे बेस्ट जो कर रहा है सोलर एनर्जी में, ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड, क्लाइमेट से रिलेटेड अगर कोई सबसे बेस्ट कर रहा है तो वो इंडिया कर रहा है। और रिसेंटली अमेरिकन जो मिनिस्टर हैं इस एनवायरनमेंट मिनिस्टर से रिलेटेड वो भी आए थे, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम बताया था, क्योंकि हमारा जो टारगेट है 2030 का उसको हम उससे पहले अचीव कर लेंगे। इसलिए ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, सेम नहीं तो ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। सबसे ज़्यादा प्रबल ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? सबसे ज़्यादा प्रबल ग्रीन हाउस गैस है वो है जलवाष्प। ये ग्रीन हाउस गैस का लगभग 60-70% ये उत्पन्न करती है। इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो करती है लगभग 9-26%, 9-26% कार्बन डाइऑक्साइड करती है, अदरवाइज सबसे ज़्यादा जलवाष्प करती है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की स्थापना कब हुई है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की स्थापना हुई है 2006 में, ये 2006 में इसकी स्थापना हुई है। अभी थोड़े टाइम पहले टाइगर सेंसस हुई है, इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारे जो पहले टाइगर सेंसस हुई थी उसके बजाय अभी जो टाइगर सेंसस हुई है उसमें इंक्रीज हुआ है, ये एक अच्छी बात है। कौन सी एनजीओ भारत की पर्यावरणीय रिपोर्ट देती है? पर्यावरणीय रिपोर्ट जो देती है ये देती है डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स। डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स भारत की पर्यावरण रिपोर्ट देती है। और डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स की स्थापना कब हुई है इसका क्वेश्चन आए तो इसकी स्थापना हुई है 1982 में। भारत का पहला कार्बन डाइऑक्साइड मापन स्तंभ किस प्रदेश में लगाया गया है? कार्बन डाइऑक्साइड का मापन स्तंभ जो भारत में पहला लगाया गया है ये लगाया है उत्तराखंड में। पिछले टेस्ट में एनवायरनमेंट से रिलेटेड इतने क्वेश्चन नहीं थे तो कोशिश की है इस टेस्ट में कवर करने की। पर्यावरण के संदर्भ में भूमिगत अपशिष्ट से ऊर्जा सुविधा या रिसाइकलिंग सुविधा को नगरपालिका ठोस कचरा देने के लिए शुल्क लगाए जाने वाला किस शुल्क रूप में जाना जाता है? ये जो सुविधाएं हैं रिसाइकलिंग या अपशिष्ट से ऊर्जा सुविधा, इसमें नगरपालिका एक ठोस कचरा के लिए टैक्स लगाता है, उस टैक्स को किस नाम से जाना जाता है? वो टैक्स जाना जाता है टिपिंग टैक्स। टिपिंग फीस के नाम से जाना जाता है टिपिंग फी, ये ध्यान रखना आपको। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? अरब सागर में नहीं गिरती है वो है तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी है जो कर्नाटक में एक कुडली जगह है, कुडली नामक स्थान से तुंगा नदी और भद्रा नदी के संगम से तुंगभद्रा नदी का निर्माण होता है। और ये दो नदियाँ कर्नाटक का जो चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से निकलती है, और ये मुख्य रूप से ज़्यादातर कर्नाटक में ही बहती है। निम्नलिखित में से किस दर्रे को भारत, चीन और म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है? भारत, चीन और म्यांमार, इसका त्रिकोणीय संगम है दीफू पास, दीफू दर्रा। ये भारत, चीन और म्यांमार की सीमा पे है, अक्टूबर 1960 में।
चीन और म्यांमार ने दीफू के नज़दीक अपनी सीमाओं का सीमांकन किया था, जिसके बाद भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश को लेके जो विवाद है वो पैदा हो गया था। उत्तर भारत के विशाल मैदान, जिनको हम गंगा के मैदान ही बोलते हैं, और दक्कन पठार के बीच किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजन किया जाता है? जो उत्तर के विशाल मैदान हैं उनको और जो दक्कन का पठार है उसको कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो सेपरेट करती है? ये है विंध्याचल रेंज। विंध्य पर्वत श्रृंखला है जो मध्य पश्चिम भारत में है, गंगा के मैदान को ये दक्कन के पठार से अलग करती है, और जो विंध्यन रेंज है, विंध्य पर्वत श्रृंखला है, ये कहाँ पे है? ये है मेन रूप से MP, UP, छत्तीसगढ़ और गुजरात। दो हजार ग्यारह की जनगणना से पहले भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात कब रिकॉर्ड किया गया था? देखिए, 2011 की पहले तो ये समझ लिए, 2011 की जो जनगणना है उसमें क्या रेशियो है, ये जो इसमें सेक्स रेशियो है जो 9:43 है लिंगानुपात, और इससे पहले अगर जो सर्वाधिक रिकॉर्ड था वो था 9:40 का, उसके बाद कम होता गया है। 9:40 का था 1961 की जो सेंसस हुई थी, उसमें जनगणना 1961 में था सर्वाधिक, 2011 से पहले। निम्नलिखित कथनों का अवलोकन कीजिए। भारत में 12 नॉटिकल मील के जो क्षेत्र हैं, क्रीक है, नदी इत्यादि को कोस्टल रेगुलेशन जोन क्षेत्र कहा जाता है, ये सही है। 12 नॉटिकल मील हैं वो कोस्टल रेगुलेशन जोन बोला जाता है उसको। अंडमान में निकोबार द्वीप समूह को इस जोन से बाहर रखा गया था, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, ये दोनों ही स्टेटमेंट है जो सही है। भारत सरकार ने क्या है, जो कोस्टल एरियाज है उनमें जो गतिविधि है उनको नियंत्रित करने के लिए फरवरी 1991 में पर्यावरण रक्षा अधिनियम 1986 को पारित किया था। पर्यावरण रक्षा अधिनियम कब पारित किया था? 1986 में। इस अधिनियम में कोस्टल रेगुलेशन जोन की जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई थी। निम्नलिखित में भारत का कौन सा पड़ोसी देश पेट्रोल, डीजल और जेट ईंधन के लिए भारत पर निर्भर है? कौन सा हमारा नेबरिंग कंट्री है जो पेट्रोल, डीजल और जेट ईंधन के लिए इंडिया पे डिपेंडेंट है? ये है मॉरिशस। मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय राष्ट्र है, और मॉरिशस की अधिकतर आबादी क्या है? भारतीय मूल की है इसकी अधिकतर आबादी है। जो विशाल कोयला भंडार के लिए अंबासा नामक स्थान किस राज्य में स्थित है? अंबासा जो है वो त्रिपुरा में है। अंबासा त्रिपुरा के धलाई जिले में है, और भारतीय जो भौगोलिक सर्वेक्षण है इसके द्वारा कोयले के यहाँ पे विशाल भंडार का पता लगाया गया है अभी रिसेंटली अंबासा में। और ये क्वेश्चन इसलिए पूछा है कि कुछ टाइम पहले लास्ट मंथ कई स्टेट्स में जो पावर की शॉर्टेज आ गई थी वो कोयले की शॉर्टेज की वजह से हुई थी। जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं जनरेशन के वो शटडाउन हो गए थे और पावर कट शुरू हो गया था, लोड शेडिंग वगैरह। तो इसीलिए इसके बाद ये अभी जो भौगोलिक सर्वेक्षण है इंडियन, ये भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, इन्होंने इसका पता लगाया है अम्बासा में, और ये त्रिपुरा के धलाई डिस्ट्रिक्ट में है। ये आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो इस तरह इस क्वेश्चन को एक्सपेक्ट करके चलिए, आए या नहीं आए वो बाद की बात है, लेकिन ये जरूर किसी एग्जाम में पूछा जाएगा क्योंकि ये काफी चर्चा में रहा है इतने सालों के बाद अब पता लगा। निम्नलिखित में क्या मुद्रा बाजार के साधन है? मुद्रा बाजार के जो साधन है, राजकोषीय चालान है, वाणिज्य कागज है, जमा प्रमाण पत्र है, ये सभी मुद्रा बाजार के साधन है। ये
सभी है, तो सही आंसर हो गया डी। पूसा हाइब्रिड 4 किसकी किस्म है? पूसा हाइब्रिड 4 है, ये टमाटर की एक किस्म है। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुई थी? अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत हुई थी दिसंबर 2000 में। जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसको गरीबों तक पहुंचाने के लिए दिसंबर 2000 में अंत्योदय योजना शुरू की गई थी, जिसका नाम आपने देखा होगा अभी दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय से कर दिया है। तो ये उस टाइम जो गवर्नमेंट थी अटल जी की, उसके टाइम पे ये शुरू की गई थी कि गरीबों को मदद पहुंचाई जाए। इसमें जो गरीब परिवार हैं उनको रियायती दर यानी 2 रुपये प्रति किलो गेहूं और 3 रुपये प्रति किलो चावल उपलब्ध कराया जाता था। ये उस टाइम अटल जी के टाइम पे ये शुरू की थी दिसंबर 2000 में। निम्नलिखित मूल्य सूचकांक में से कौन सा साप्ताहिक आधार पर उपलब्ध है? जो मूल्य सूचकांक है, वीकली बेसिस कौन सा है? देखिए, भारत में महंगाई की क्या पोजीशन चल रही है, महंगाई में क्या चेंजेज आ रहे हैं, उसका सूचक क्या है, वो हम इसी से पता लगाते हैं। जो ये वीकली बेसिस पे मूल्य सूचकांक आता है, और वो है थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक वीकली बेसिस पे आता है, हर वीक में आता है। WPI इसको बोलते हैं, वीकली प्राइस इंडेक्स। भारत में इसे महंगाई के परिवर्तन के रूप सूचक के रूप में देखा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। ट्रिप्स समझौता किससे संबंधित है? देखिए, ट्रिप्स है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो ये आप समझ गए होंगे कि ये किससे संबंधित है। ये बौद्धिक संपदा से संबंधित है, बौद्धिक संपदा से संबंधित है। ये कब लागू हुआ है? ये लागू हुआ है 1 जनवरी 1995। और अभी प्रेजेंट में इसके कितने मेंबर हैं? 162 सदस्य हैं इसके, ये इसके मेंबर हैं। आप सभी को जो जम्मू कश्मीर है उनके उपराज्यपाल कौन है वो पता होगा, लेकिन ज़्यादातर या कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है। ये इस तरीके के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं एग्जाम में। लद्दाख के उपराज्यपाल हैं RK माथुर, और जम्मू कश्मीर के कौन हैं? मनोज सिन्हा। ICC के नए मुख्य अभियोजक कौन है? देखिए, ये क्वेश्चन इसलिए आया है, अभी एक टेस्ट मैच हुआ था इंडिया और इंग्लैंड के, तो वो बारिश की वजह से या ये कोविड टेस्ट की वजह से कोई रद्द हो गया था, तो वो मैटर ICC तक गया है, इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन एक करंट के क्वेश्चन हैं, एक्सपेक्टेड होते हैं। ICC के नए मुख्य अभियोजक कौन हैं? ये हैं करीम खान। कौन सा देश वैक्सीन पासपोर्ट जारी कर रहा है? जो वैक्सीन पासपोर्ट जारी कर रहा है वो है जापान। मिल्खा सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियनशिप कब जीती? देखिए, अभी रिसेंटली द लेजेंडरी मिल्खा सिंह का निधन हुआ है, तो ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में चैंपियनशिप जीती है 1958 में, 1958 में। और इनसे रिलेटेड आप पढ़ना, बाकी तो हम नेक्स्ट टेस्ट में, आने वाले टेस्ट में कवर करवाते रहेंगे। और ये वैसे भी आपके सिलेबस में है, करंट से रिलेटेड भी है और गेम्स स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स आपके सिलेबस में है।
इब्राहिम रायसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? इब्राहिम रायसी अभी रिसेंटली ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं, और इनको बधाई देने, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, वो खुद गए थे, रशिया जा रहे थे, वो रास्ते में रुक के उन्होंने ईरान, और उनको स्पेशल बधाई दी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का विजेता कौन है? 2021 जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है उसके विजेता हैं डेविड डायो। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी नंदन बोरा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये थे साहित्य के क्षेत्र से संबंधित थे लक्ष्मी नंदन बोरा। रायमोना आरक्षित वन, जिसे हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, किस राज्य में है? यह भी रिसेंटली ये रिजर्व फॉरेस्ट था रायमोना, जिसको नेशनल पार्क घोषित किया है, रिजर्व फॉरेस्ट को नेशनल पार्क घोषित किया है, ये है आसाम में। निम्नलिखित में से किसने 2 दिवसीय स्वीप परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया था? 2 दिवसीय स्वीप परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया था, ये किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, भारत निर्वाचन आयोग ने किया था। ये एक व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी में लोगों को जागरूक करने से रिलेटेड था, और ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुशील चंद्रा, उन्होंने इसको शुरू किया था। जो राजीव कुमार है उनके साथ एक नई पहल का अनावरण किया था, उन्होंने 2 दिवसीय ये कार्यक्रम किया था। इससे क्या है कि जो नए मतदाता हैं उनको मार्गदर्शन किया जाए, एक बधाई पत्र भी दिया जाए, नैतिक मतदाता की जो प्रतिज्ञा है वो भी दिलाई जाए, ओवरऑल लोगों को जागरूक करने के लिए था। नीति आयोग के पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला SDG सूचकांक रिपोर्ट 2021-22 में किस जिले ने पहला स्थान प्राप्त किया है? देखिए, जो नीति आयोग का अभी जो SDG सूचकांक रिपोर्ट आई है 2021-22 की, नॉर्थ ईस्ट की, उसमें जो ईस्टर्न सिक्किम है उस जिले ने, पूर्वी सिक्किम ये जिला है, इसने पहला स्थान प्राप्त किया है। इसको अभी रिसेंटली नीति आयोग ने SDG जो इंडेक्स रिपोर्ट है, डैशबोर्ड 2021-22, इसका पहला संस्करण है, इसलिए क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, ये पहली बार ही शुरू किया है, पहले नहीं होता था ऐसा, अभी पहला ही संस्करण है इसका, ये दिल्ली में जारी किया था, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कार्यक्रम नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है, ये कार्यक्रम है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत किया है, जिसको बोलते हैं हम UNDP, उसका इसमें तकनीकी सहयोग रहा है। नीति आयोग और जो पूर्वोत्तर क्षेत्र का जो विकास मंत्रालय है उसने ये तैयार किया है, और इस सूचकांक में अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, इनके जो सतत विकास लक्ष्य हैं उनसे रिलेटेड जो प्रदर्शन है उसको मापा गया है, और टोटल 103 जिलों को मापा गया है इसमें, और जो 103 में 64 हैं, टॉप 64 हैं उनकी, तो कौन है उनकी लिस्ट जारी की थी, इसमें पूर्वी सिक्किम पहले नंबर पे आया है, उसके बाद जो जिले हैं वो हैं गोमती और उत्तरी त्रिपुरा, ये दोनों दूसरे नंबर पे रहे हैं, आपको ये जरूर ध्यान रखना है, ये पहली बार रिपोर्ट जारी की गई है। उत्तर प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर खुश बावनपुर रखा जाएगा? खुश बावनपुर रखा जाएगा, ये किस शहर का नाम रखा जाएगा? कुश भवनपुर या सुल्तानपुर का नाम रखा जाएगा। अभी रिसेंटली जो योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट है उन्होंने सुल्तानपुर के साथ 6 और जिलों का नाम बदलने की तैयारी कर रही है, जहां बस्ती का नाम वशिष्ठ नगर तो सुल्तानपुर जिले का नाम कुश भवनपुर रखा जाएगा। ये आपके आ सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं। पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने हाल ही में लेह में किस मेगा पर्यटन कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है?
ये जो पर्यटन मंत्री है जी किशन रेड्डी, इन्होंने लेह लद्दाख में एक नई शुरुआत की है और इसका नाम भी यही है, लद्दाख नई शुरुआत नए लक्ष्य। कोशिश यही है कि आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, साइंस, टेक, जितना भी आपके सिलेबस में है, एजुकेशन है, ये ICT है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, ये सभी कवर किया जाए और आने वाले सभी टेस्ट में आपके ना सिर्फ सिलेबस कवर होगा बल्कि रिवाइज भी हो जाएगा। आप इसको सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। भारत के पहले क्रेडिट आधारित नियो बैंक फ्रेओ ने जीरो बैलेंस बचत खाता शुरू करने के लिए किस लघु वित्त बैंक के साथ करार किया है? जीरो बैंक अकाउंट के लिए किस जो माइक्रो वित्त फाइनेंस बैंक है उसके साथ करार किया है? ये माइक्रो फाइनेंस बैंक है, इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ ये एग्रीमेंट किया है। ये क्रेडिट आधारित नियो बैंक है, खरीद लो पेमेंट बाद में करो, उसको क्रेडिट बोलते हैं। निम्न में से कौन सा नाटक बहु विवाह प्रथा पर आधारित था? कुलीन कुलास, कुलीन जो कुलासरवासा है एक सामाजिक व्यंग्य था, इसमें बहु विवाह की प्रथा पर कटाक्ष किया गया था। ये एक नाटक था, व्यंग नाटक था, इसमें जो बहु विवाह है उस पर कटाक्ष किया गया था। संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए आपको क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, कई बार सही नहीं है भी पूछ लिया जाता है, ये आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे जब ही पता चलेगा। हम देखते हैं कौन सा सही है। संविधान सभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा सही है। अच्छा, प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे, तो ये सही नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने जाते थे। सीट वितरण पर आधार जनसंख्या थी, ये सही है, सीट वितरण का जो आधार है वो पॉपुलेशन थी। संविधान सभा की संरचना कैबिनेट मिशन प्लान के मुताबिक थी, जो पार्लियामेंट की सभा है उसका स्ट्रक्चर कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग ही था, तो ये दूसरा और तीसरा सही है। देखिए ये बात हो रही है, विभाजन से पहले जो संविधान सभा के सभी सदस्यों का चुनाव किया जा चुका था, इसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और विभाजन के बाद 14 अगस्त 1947 को जो विधानसभा, इसका संविधान सभा का गठन किया गया था वापस से। इसमें टोटल 299 मेंबर्स थे और 26 नवंबर 1949 को हस्ताक्षर करने के अवसर पे इसमें 284 सदस्य मौजूद थे, ये उस टाइम की बात हो रही है। बी इसका सही आंसर होगा। चोरी चोरा की घटना के बाद कौन सा आंदोलन बंद किया गया था? देखिए ये है 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के नज़दीक चोरी चोरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलन के कुछ आंदोलनकारियों द्वारा पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, और इस घटना में क्या हुआ था, 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी, और इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। गांधी जी ने कई आंदोलन शुरू किए हैं लेकिन उनको उनमें से कईयों को वापस भी ले लिया है, तो इस वजह से ये गोरखपुर में जो घटना हुई थी, पुलिस चौकी को आग लगा दी थी नाराज लोगों ने, उसके बाद गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन है उसको बंद कर दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ये वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये नारा दिया था 1875 में, जब उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। 1875 में एक्चुअली उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, और वे संस्कृत और वेदों के बहुत बड़े विद्वान थे, और
भारत में वेदों की छपाई उन्हीं के संरक्षण में पहली बार शुरू हुई थी। सत्यार्थ प्रकाश का नाम सुना होगा आपने, सत्यार्थ प्रकाश सुना होगा, ये भी उन्हीं का एक महत्वपूर्ण कृतियों में से एक थी। तो ये वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून तोड़ने से हुई थी? नमक कानून तोड़ने से कौन से आंदोलन की शुरुआत हो गई थी? महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से यात्रा शुरू की थी, और ये यात्रा है जो 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर ये हुई थी। गांधी जी ने दांडी में ही नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के नमक के कानून को तोड़ा था। दांडी में जो गांधी जी ने नमक बनाया, साबरमती से शुरू की यात्रा, उसी के ये अंग्रेज़ों का जो नमक कानून था उसके खिलाफ हुई थी, और यहीं से शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने दोहरी मार करने वाली किस परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अभी ये रिसेंटली हुआ है, जून 2021 में DRDO ने ओडिशा में जो बालेश्वर तट है, जहाँ पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड है, वहाँ से एक आधुनिक नई पीढ़ी को परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी का सफल परीक्षण किया है। यह आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो द्वीप है वहाँ से किया है, ओडिशा में बालेश्वर तट से हुआ है, DRDO ने किया है, और ये दोहरी मार करने वाली परमाणु मिसाइल है, और इसका नाम है अग्नि प्राइम। ये एक नई पीढ़ी की मिसाइल है, बिल्कुल जो अत्याधुनिक उच्च उन्नत टेक्नोलॉजी है उसकी मिसाइल है, और इसकी मारक क्षमता जो है वो 1000 से 2000 किलोमीटर तक की है। किस राज्य ने खुद को भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य घोषित किया है? देखिए, एक क्वेश्चन आता था पहले एग्जाम में कि कौन सा राज्य पहला राज्य है भारत का जो जैविक राज्य हो गया है, तो वो सिक्किम का होता था। अब ये क्वेश्चन आने लग जाएगा एग्जाम्स में कि किस राज्य ने खुद को भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य घोषित किया है, ये आंसर है इसका गोवा। अभी रिसेंटली जो गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर प्रमोद सावंत, उन्होंने घोषणा की थी कि गोवा रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, और उन्होंने ये भी बताया कि लास्ट 3 सालों में एक भी नया मामला सामने नहीं आया। नीति आयोग ने किसकी अध्यक्षता में मातृ किशोरावस्था और बचपन के मोटापे की रोकथाम पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है? ये अभी रिसेंटली किया है, जो ये इसके चेयरमैन रहे हैं, ये नीति आयोग ने किसकी अध्यक्षता में किया है, ये VK Paul की अध्यक्षता में हुआ है, इसको आप ध्यान में रखना है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ICG ने सिंक द्वीप के पास डूबते जहाज गंगा फर्स्ट के 9 चालक दल को बचाया है। सिंक द्वीप कहाँ स्थित है, ये काफ़ी चर्चा में रहा था कि जो भारतीय तट रक्षक बल है उन्होंने ये गंगा फर्स्ट का जो जहाज डूब रहा था उसके पूरा जो चालक दल था उसको बचाया था। तो ये सिंक द्वीप कहाँ पे है, ये सिंक द्वीप है हमारे अंडमान निकोबार में। ये है अभी 2021 की घटना है ये, और उनको है जो इमरजेंसी सूचना मिली थी, और उसके बाद उन्होंने जो पोर्ट ब्लेयर है वहाँ से करीब 30 समुद्री मील दक्षिण में था, ये वहाँ जाकर बचाया है। ये काफ़ी चैलेंजिंग टास्क था, लेकिन भारतीय जो तटरक्षक बल है उसने इस चैलेंज को लिया और पूरा किया। धुबरी पुलवारी पुल के बारे में सही कथन क्या है? धुबरी पुलवारी पुल की बात करते हैं। धुबरी पुलवारी पुल एक बार निर्माण करने के बाद ये दुनिया का सबसे लंबा पुल होगा।
धुबरी फुलवारी पुल पानी पर बनेगा ये, और ये भारत का सबसे लंबा पुल होगा, दुनिया का नहीं, ये भारत का सबसे लंबा पुल होगा। इसकी टोटल लेंथ होगी धुबरी फुलवारी पुल की 19 किलोमीटर। ये काफ़ी बहुत अच्छी बात है कि इतना पानी के ऊपर ब्रिज बनाना कोई आसान काम नहीं है, और वो भी एक ऐसे रीजन में जहाँ पे मेघालय में फुलवारी और आसाम में धुबरी के जो बीच की डिस्टेंस है, इस पुल के बनने के बाद से जो 200 किलोमीटर की डिस्टेंस है वो घट के 19 किलोमीटर हो जाएगी। जो अभी 200 किलोमीटर की डिस्टेंस पार करनी पड़ती है, इस पुल के बनने के बाद सिर्फ 19 किलोमीटर ही चलना पड़ेगा आसाम से और मेघालय पहुंचने में, फुलवारी से धुबरी तक। सो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड वन। फर्स्ट इसलिए सही नहीं है कि भारत का सबसे लंबा पुल होगा। आप अगले टेस्ट में ये जरूर ध्यान रखना, मैं पूछूंगा कि अभी रिसेंटली इस पुल से पहले कौन सा भारत का सबसे लंबा पुल है, आप कमेंट में इसका आंसर जरूर देना। नॉर्ड स्ट्रीम 2, इसके संबंध में सही कथन चुनिए। नॉर्ड स्ट्रीम 2 बाल्टिक सागर के माध्यम से रूस से जर्मनी तक एक पाइपलाइन है। ये बिल्कुल सही है, ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 बाल्टिक सागर से रूस से जर्मनी के बीच की पाइपलाइन है, और इस पे अब डिस्प्यूट शुरू हो गया है, पहले से चल रहा था लेकिन अब ज़्यादा हो गया है, इसलिए क्वेश्चन न्यूज़ में है। यह पाइपलाइन पहले से ही निर्मित है और जनवरी के अंत में इसको शुरू किया जाएगा। देखिए, ये जो पाइपलाइन है इसका एक फेस वापसी निर्माणाधीन किया है, इसलिए उसी को लेके रूस और जर्मनी के बीच टेंशन शुरू हुई है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वन। ये पहले से निर्मित नहीं है, जिस पे ये नोड 2 की बात कर रहे हैं, नोड 2 पहले से निर्मित नहीं है, नोड स्ट्रीम 2 है जो अभी निर्माणाधीन है। तो आपको ऑप्शन भी अच्छे से देखने हैं क्वेश्चन के साथ। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष हैं ये, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जोड़े थे 42वें संशोधन में। किस वर्ष तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा? ये अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, इसमें ये है कि 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्ष एकीकृत बीएड डिग्री का होना कंपलसरी हो जाएगा। 2030 तक का क्राइटेरिया रखा है इसमें, 2030 तक ऐसा अनिवार्य हो जाएगा। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ के लुकोस्किन नामक एक औषधि विकसित की है। ये लुकोस्किन जो वैक्सीन औषधि है, ये किसके इस्तेमाल किसके उपचार में इस्तेमाल की जाती है? इसको ये जो औषधि है ये ल्यूकोडर्मा के उपचार में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये करंट का क्वेश्चन, आप इसको जरूर ध्यान में रखना। भारतीय नौसेना की नाभिकीय ऊर्जा द्वारा संचालित पनडुब्बी कौन सी है? न्यूक्लियर एनर्जी से जो संचालित होती है वो पनडुब्बी कौन सी है? INS चक्र है, ये न्यूक्लियर ऊर्जा से संचालित होती है। भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान हवा से हवा में पुनः ईंधन भरने का कार्य करता है? ये अभी नया अचीवमेंट है, इल्यूशियन 1178 है, ये हवा में ही ईंधन भरने का काम कर देता है, और ये इंडियन एयरफोर्स का विमान है। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, ये क्या उत्पन्न करता है? जो हरे फ्रूट्स होते हैं उनको आर्टिफिशियली पकाते हैं हम कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ करके, लेकिन ये क्या उत्पन्न करता है? कैल्शियम कार्बाइड है जो एसिटिलिन उत्पन्न करता है, जिससे हरे फलों को पकाया जाता है।
भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाने वाले प्रथम सौर ऊर्जा चालित वायुयान का नाम क्या है? देखिए, पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाने वाला जो सौर ऊर्जा चालित वायुयान है, ये पहली बात तो हमारा है, इंडिया का, और इसको जो यूनाइटेड नेशन है उसने भी बधाई दी है, पायलट और इंडिया को, दोनों को, कि पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया है। और ये बैटरी से चलता है, सोलर बैटरी से ये वायुयान चलता है, और इसका नाम है सोलर इम्पल्स 2। ये वाराणसी होके गया है हमारे इंडिया से, जब इसने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया तो इंडिया में वाराणसी होके गया है। गलत जोड़े को इंगित करना है, इनमें से गलत कौन सा है? फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश शीशे की चूड़ियों के लिए फेमस है, ये सही है। भागलपुर बिहार रेशम के लिए, ये भी सही है। जालंधर में पंजाब में यहाँ स्पोर्ट्स का सामान मिलता है, खेल का, ये भी सही है। और राजस्थान में सांभर है, हस्त ब्लॉक छपाई। एक्चुअली राजस्थान में जो हस्त ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए जो वर्ल्ड फेमस है वो है जयपुर सांगानेर, ना कि सांभर। सांभर है ये फेमस नहीं है, ये यहाँ पे नमक का उत्पादन होता है सांभर झील में, ये गलत है। इसका आंसर होगा डी, बाकी सारे सही है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? भारतीय जो वन अनुसंधान संस्थान है ये उत्तराखंड के देहरादून में है, और इसकी स्थापना कब हुई है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की? इसकी 1906 में स्थापना हुई थी। भारतीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान किस राज्य में है? ये है हरियाणा में है ये। जो राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान है वो हरियाणा में है, और हरियाणा में कौन सी जगह है? ये हरियाणा में है सोनीपत में, सोनीपत में है। सो ये टोटल 75 क्वेश्चंस थे आज के। नेक्स्ट टेस्ट जल्दी आएगा, आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।